हेलो एवरीवन, मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आज हम बेसिकली बात करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस स्टडी का क्वेश्चन, जो हमारे लिए बेहद ही मोस्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2024 एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ट्रिकी हुए तरीके से आपको सिखाने वाले हैं और मैथ्स को बिल्कुल सरल बनाने वाले हैं। कोई फार्मूला ज़्यादा दिमाग पे जो नहीं देना है, तरीके को ध्यान में रखना है, फटाफट आपको क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, लिखा हुआ है योर यंगर सिस्टर वांट टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार एंड प्लान टू जो है टेक लोन फ्रॉम ए बैंक फॉर हर इलेक्ट्रिक कार। आप किसी मतलब यंगर सिस्टर जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक कार परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने प्लान किया है कि हम जो बेसिकली क्या करते हैं, आपको बैंक से लोन लेते हैं। आगे लिखा गया सी रिपेज हर टोटल लोन ऑफ 3,21,000 रुपीज by paying every month starting with the first installment of 2000 rupees and it increases the installment by 200 rupees every month। मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि 2000 रुपये वो स्टार्टिंग में देती है ना, मतलब फर्स्ट टर्म जो हमारे हो गया प्यारे बच्चों 2000 रुपया हो गया। इसके बाद जो है हर एक बेसिकली इंक्रीज होता है। आगे लिखा इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई टू, बोले मतलब कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों दे रखा 200 रुपये आपको दे रखा प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से एवरी मंथ है, टोटल जो पैसा पे करना प्यारे बच्चों वो कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि फाइंड द लिस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर्म बाई द गिवन स्टेटमेंट। तो ये प्यारे बच्चों इसे फाइंड आउट करना चाहते हो, तो देखो प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, A1 बराबर A हो गया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या आ गया 2000 रुपये आ गया। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों आपका A2 जो होता है वो A प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों D होता है। तो आपका 2000 हो गया प्लस 200 जोड़ दिया प्यारे बच्चों, इस तरीके से कितना आ गया 2200 रुपये आ गया। फिर इसी तरीके से अगेन फर्दर A3 में फिर अगेन 200 जोड़ दोगे तो 2200 में 200 2400 आ गया प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर हो गया। तो आपका इस तरीके से 200 जोड़ते जाओगे 2400, 2600, 2800 इस तरीके से आता चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि द अमाउंट पेड बाई हर इन 25th इंस्टॉलमेंट इज 6800। मतलब कि जो है 25th इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पैसा पे किया। तो आपको पता है प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने फार्मूला पढ़ा, एल बराबर ए प्लस क्या होता है एन माइनस वन इंटू डी होता है प्यारे बच्चों। फर्स्ट टर्म आपको पता है 2000 प्लस में एन आपको पता है 25 माइनस वन 25th एन है नंबर ऑफ टर्म है और डी आपको दे रखा प्यारे बच्चों 200 रुपया। तो ये 2000 हो गया प्लस में 24 आ गया प्यारे बच्चों और ये बुढ़ी मल्टीप्लाई 200 हो गया। इस तरीके से जो है आपके पास कितना गया 2000 हो गया प्लस में 24 का टेबल पढ़ लिया दो बार प्यारे बच्चों, तो 4800 हो गया प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों, जोड़ लीजिए तो आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास फिर अगेन 0 हो गया, फिर ये आपका 8 हो गया और 4 और 2 कितना हो गया 6800 के आ गया प्यारे बच्चों रुपीज आपके पास बनकर आ गया। ऑप्शन देखिए प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन राइट है। तो ये लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है, या आप एनथ टर्म भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म लिखो या एनथ टर्म लिखो बोथ आर मीनिंग, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बस बिल्कुल एकदम लाइक की सही तरीके से सीखना है। ओके, मैथ्स लर्निंग विद रंजीत सर का काम ही है भाई प्यारे बच्चों कि आपको अच्छे से बेसिकली हर एक क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे तरीके से सिखाना और समझाना और आपको मैथ्स में फुल मार्क्स बनवाना। क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट अगेन बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट फोर्थ जो है एंड सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट पेड बाय जो है यंगर सिस्टर। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ सर, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा, फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों ए फोर्थ हो गया, सिक्स का मतलब क्या हो गया ए सिक्स हो गया प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझना इस तरीके के कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों और कुछ नहीं। ए फोर्थ का मतलब क्या होता है, ए प्लस कितना होगा प्यारे बच्चों ब्रेक करोगे ए प्लस 3d आएगा, A6 को ब्रेक करोगे A प्लस कितना है 5d। तो फर्स्ट टर्म प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है सेम है, डिफरेंस करना है तो 6 टर्म माइनस क्या करोगे फर्स्ट टर्म करोगे तो 5d। और देखो A से E क्या होगा, जब डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है प्यारे बच्चों, तो A से E क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 5d में से 3d गया तो कितना बचा 2d बचा और डी की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 200 रुपया, तो 2 × 200 कर दिया, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों कितना आगे 400 रुपये आगे सर जी। तो इस तरीके से देखो प्यारे बच्चों ऑप्शन में कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है प्यारे बच्चों। देख लो कितने मतलब प्यार तरीके से आंसर हमारे बन रहे, कई डाउट है तो जब डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो ये ट्रिकी वे अप्लाई करना है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। जितना इंस्टॉलमेंट की बात करा फोर्थ टर्म की बात करा तो कोई से a प्लस एन माइनस वन इन टू डी से ब्रेक कर लीजिए तो a प्लस 3d हो गया, 5d 6 है तो a प्लस 5d का डिफरेंस बोला तो a से कोई दिक्कत नहीं, a से कैंसिल हुआ, 5d 3d के में से डिफरेंस किया तो 2d आया, d से मल्टीप्लाई किया 200 से 400 बन गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, आ रहा समझ में नहीं प्यारे बच्चों को, डाउट तो नहीं? ओके, नेक्स्ट अगेन ध्यान दे मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट सी क्लियर हर टोटल बैंक का जो है
कितने इंस्टॉलमेंट में जो है वो बेसिकली टोटल पैसा मतलब क्लियर कर देगा। तो प्यारे बच्चों कितने इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे टोटल पैसा कितना 3 लाख मतलब 3,21,600 रुपीज है प्यारे बच्चों। तो अब इस तरीके से ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। आपके पास टोटल अमाउंट दिया 3,21,600 रुपीज दिया गया प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर है कि नहीं। हमें यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है, तो ये बेसिकली क्या है लास्ट टर्म है ठीक। अब इस तरीके से जो है लास्ट टर्म है, तो यहाँ से क्या हो गया एल एन हो गया, ए प्लस क्या ए कितना है 2,000 रुपये प्यारे बच्चों, प्लस में क्या होता है एन माइनस वन होता है, डी कितना हो गया प्यारे बच्चों 200 हो गया। तो यहाँ पे 3,21,600 माइनस कितना हो गया प्यारे बच्चों 2,000, ये क्या आ गया एन माइनस वन आ गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे 2,000 माइनस कर लो प्यारे बच्चों, तो 0,0 एज इट इज हो गया, 0 हो गया एज इट इज 6 हो गया। अब यहाँ पे 1,11 में शिफ्ट हो गया तो कितना आ गया 9 आ गया, ये कितना बचा प्यारे बच्चों 1 बचा, तो 3,19,000 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों 200 है, तो ये 200 इधर क्या करेगा प्यारे बच्चों डिवाइड करेगा एन माइनस वन आ गया, बोलो क्लियर है। अब ये 2,0 से प्यारे बच्चों 2,0 को कैंसिल कर लो, 2 का टेबल पढ़ो 2×2 हो गया, रिमाइंडर बच्चा कितना 150 है ना, 11×2×5 = 10 हो गया, अगेन 2×9 = कितना हो गया 18, एंड 2×8 = कितना हो गया 16 हो गया प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से जो पूरा कैंसिल आउट हो गया n माइनस होगी, माइनस होने इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 1 हो जाएगा, तो 1599 इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो उस केस में जो है आपको कंप्लीट जो पैसा है वो आपका पे हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो है कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया एपी का स्टेटमेंट, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, उन्होंने कहा कि फाइंड द फर्स्ट 7 इंस्टॉलमेंट। अब देखो फर्स्ट 7 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, तो कितना पैसा टोटल पे करा, तो यहां सम ऑफ का कांसेप्ट लगाओगे प्यारे बच्चों कि वो 7, देखो यहां फर्स्ट 7 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, तो a1 + a2 + a3, बोलिए समझ में आ गया प्यारे बच्चों कांसेप्ट, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। अब इस तरीके से यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट 7 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में प्यारे बच्चों, तो आपको यहां पे a7 नहीं बल्कि s7 फाइंड आउट करना। फर्स्ट 7 का मतलब हो गया पहले से लेके 7 इंस्टॉलमेंट में, तो a1 + a2 + क्या करोगे a3 + डैश डैश क्या होता है a7 होता है, बोलो क्लियर हो गया। मतलब n की वैल्यू क्या होगी n/2 है, 2 टाइम्स ऑफ a पढ़े, a की वैल्यू कितना है 2000 रुपया है, प्लस में n कितना 7 - 1 d कितना है 200 रुपया है, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों 7/2 हो गया, 2×4000 हो गया है ना प्यारे बच्चों, और इसके बाद अच्छा देखो 2 कॉमन भी कर सकते हो, 2 यहां भी 2 यहां कॉमन, 100 बच जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये 2 कॉमन कर लेते हैं ठीक है ना, इससे क्या होगा ये 2000 ही रहेंगे, प्लस में 7 में से 1 आ गया तो 16 हो गया × 100 हो गया, बोलो क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों 7 आ गए, और ये 7 ये कितना आ गया 2600 आ गया, बोलो क्लियर है ना 2600, क्लियर। जिससे 7×0 = 7×0 = 7×6 = 42 हो गया, 7×2 = कितना होता है प्यारे बच्चों 14, और 14 में आपने 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 18 आ गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया 18,200 रुपीज आया, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है ध्यान से समझना ये है कि कितना आ गया 7×0 = 7×0 = 7×6 = कितना होता है 42 के 2 के 7×2 = 14, 4 कितना हो गया 18,600। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन फर्स्ट 7 इंस्टॉलमेंट की बात किया था 1400 रुपये लिखा, 13,600 रुपये लिखा, 14,400 लिखा है, और ये समथिंग लिखा हुआ प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑप्शन में तो ऐसा कोई है नहीं, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 7/2 = 2×2000 हमने किया, तो इस तरीके से यदि हम 7th निकालते हैं तो 2000 हो गया, प्लस में आपका 7 - 6 = 2, इस तरीके से करें तो प्यारे बच्चों बहुत ही कम पैसा आता है। यदि हम सोचे कि nth टर्म नहीं निकालना है तो 2000 × 1200 कितना 3000, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करके ऑप्शन गलत लिखा है, तो इसको लास्ट वाले को 18,000 क्या कर लो 200 कर लो, बोलो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बना सकते हो प्यारे बच्चों, तो घबराना नहीं है, बस प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो ऑप्शन क्या होगी 18,200 रुपीज होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की क्या करनी थी प्यारे बच्चों, सॉल्विंग करना था, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो जहां पर भी कोई डाउट आएगा प्यारे बच्चों केस स्टडी में बेस्ड, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अच्छे से पढ़िए। मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर थोड़ा बिलीव करो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से डे बाय डे हम रेगुलर, थोड़ा सा किस कारणों से एक दो दिन नहीं बना पाए थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो हमारे आते रहेंगे, अच्छे से आप पढ़ते रहिए सीखते रहिए, पूरा केस स्टडी सिखाएंगे, एंड इसके बाद जो है कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कराएंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो उन्हीं में से पेपर में आएंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, थैंक यू।